हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता बिना भुने वाले, बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए बैंगन मैं खुद की उगाई हुई क्यारी से ही निकालूंगी। छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये निकाल के इसका ही भरता बनाऊंगी। कुछ मिर्ची भी निकाल लूंगी। बैंगनों को अच्छे से धो के ऐसे काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप किसी भी टाइप के बैंगन ले सकते हो, बड़े या छोटे। मेरे यहाँ ये छोटे लगे हुए थे तो मैंने ये छोटे बना लिए, इसका ही भरता बना लिया। इस तरह से काटना हमें छोटा छोटा करके। कर चुके हैं। प्रेशर कुकर में सरसों का तेल डालना है, उसमें जीरा आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया के बीज। ब्राउन होने के बाद इसमें दो कटे हुए प्याज बारीक कटे हुए इसमें डाल दें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार जितना आपको चाहिए उतना डालना है, गरम मसाला। गरम मसाला मैंने खड़े मसालों को पीस के बनाया है, आप चाहो तो कोई भी डिब्बे वाला पिसा हुआ यूज़ कर सकते हो, वो डाल सकते हो। अब इसमें एक चुटकी हींग डालना है। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च क्रश की हुई वो डालनी है। डाल के इसको थोड़ा सा चलाएं। अब इसमें तीन टमाटर ग्रेट किए हुए वो डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर तक पकाना है। ढक्कन ऊपर ही रखना है, स्टीम नहीं लगानी है इसको। अब ढक्कन ढक के मसालों में से तेल बाहर निकला है, बस उतनी देर पकाना है। इस तरह से एक थिक सी ग्रेवी बन जाएगी अच्छी सी। अब इसके बाद कटे हुए बैंगन डाल देने इसमें। बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है इस ग्रेवी में अच्छे से, ताकि सारा मसाला बैंगनों में लग जाए। अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ज़रा सा, आधी कटोरी से भी कम पानी डाल के ढक्कन लगा दे और दो बिसलाने तक पकाना है इसको। दो विसल आने के बाद गैस बंद कर दें। अब स्टीम ठंडी होने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लेना है और गैस को ऑन कर देना है। बैंगन पक के गल चुके हैं। अब इसको इस तरह करछी की सहायता से अच्छे से मैश करना है मिक्स करके, और गैस को ऑन ही रखना है मीडियम फ्लेम पे। इसका सारा पानी जैसे सूख जाएगा इस तरह अच्छे से मैश कर लेना है।
भरता तैयार है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के इस तरह धनिया डाल के गार्निश कर लेना है। इस भरते को मैं देसी घी से स्मोक दूंगी। स्मोक के लिए आपको कोयले को गैस पे जला लेना है और घी को एक कटोरी में पिघला लेना है और इस तरह से कोयले के ऊपर घी डाल के और फटाफट ढक्कन लगा दें ताकि इसका सारा स्मोक इसके अंदर ही रहे और सारा फ्लेवर इसके अंदर ही रहे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाने के बाद इसमें से कोयला बाहर निकाल लें। मुझे इसका स्मोकी फ्लेवर पसंद है इसलिए मैंने इसको स्मोक दिया। आप चाहो तो खाली घी डाल के भी इसको सर्व कर सकते हो। ये चावल और चपाती दोनों के साथ अच्छा लगता है ना, बहुत ही इजी बनाने में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट तीनों करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।